हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी बड़ी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। और मैं फिर आ गया हूँ क्वेश्चन बैंक सीरीज को लेकर। 2023 का डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है, 2022 का डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है, अब हम बढ़ने वाले हैं आगे 2021 का डिस्कशन करवाने वाले हैं। आपको बहुत मज़ा आ रहा है वीडियो में, आपने देखा होगा 2023 में किस तरीके से डिस्कशन कराया गया था, बहुत ही मज़ेदार तरीके से। अरे एक बार पढ़ लीजिए, जीवन में दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से आपको डिस्कशन कराया गया था। तो स्वागत करते हैं आपका सर्वोत्तम के इस यूट्यूब चैनल पर, जैसा कि आप सपोर्ट एकदम बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, आपको भी मज़ा आ रहा है, हमको भी मज़ा आ रहा है। और बेटा ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छा करना है, बढ़िया नंबर लाना है और बवाल मचा देना है। तो आप लोग भी एकदम मस्त होके पढ़िए और कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले दो लाइन हो जाए, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि तैयारी आपकी बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी इस यूट्यूब चैनल के द्वारा, तो सुनिए दो लाइन आपके लिए बोलता हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और मन से पढ़ने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना मेहनत किए कभी जय जयकार नहीं होती। तो मेहनत बड़ी जोर शोरों से कीजिए ताकि आपकी भी जय जयकार हो, लगातार बने रहिए हमारे साथ, तैयारी आपकी ज़बरदस्त होगी। तो आइए शुरू करते हैं सर्वोत्तम के इस YouTube चैनल के माध्यम से, पूरा क्वेश्चन बैंक सीरीज आपको डिस्कस किया जा रहा है। 2023, 2022 और 2021 में आ चुके हैं, तो ये हमारा डिस्कशन चलेगा। आप ध्यान से देखिए, मजा आने वाला है, फिर सीरीज में गजब का एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको, गजब का, है ना। कोई YouTube चैनल ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं देती है, क्यों? क्योंकि मैं जो नहीं हूं। आओ बेटा आगे, आपका प्यार बहुत मिल रहा है, आपके प्यार के लिए फिर से अगेन थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। देखिए क्वेश्चन बैंक सीरीज हमारा, और अगर हमारे किसी भी टॉपिक में आपको डाउट रह जाता, हालांकि रहते नहीं हैं, लेकिन इन केस अगर डाउट रह जाता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर इस पे दिया हुआ है ना। आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा भी मिलकर कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए भी हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है, और कॉलिंग नंबर भी, दोनों सेम नंबर है, आप मुझे फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एग्जाम का समय है, मैं आपके साथ रहूँगा, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो सर्वोत्तम कोचिंग इंस्टीट्यूट महेंद्र पोस्ट ऑफिस में है, तो आप वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। क्लास 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, नीट JEE की तैयारी भी कराई जाती है, और बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाती है। तो आप अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो पटना में हमारा संस्थान है, वहाँ आके पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और इसके अलावा अगर आपको PDF चाहिए, जो क्वेश्चन हम डिस्कस करा रहे हैं वो PDF अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको वहां से PDF भेज दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये आएगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, हाँ ये देखो आ गया ना, वही फॉर्मूला है। चलिए आगे, तैयारी मज़ेदार तरीके से करनी है, चलो आगे चलते हैं। आ गया, आ गया, ओ हो, चलो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फिर देखेंगे, है ना, आपको अच्छे से दिखाई देना चाहिए, और बीच बीच में साइड होते रहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए पहला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्या कहा गया, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 2023 में भी पूछा गया था किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। पहले दर्पण समझ लेते हैं, देखिए हमारे पास एक दर्पण है जिसका नाम है अवतल दर्पण, देखो यह ऑप्शन में है क्या, बी नंबर ऑप्शन है, हाँ तो बी नंबर ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन में जो दर्पण है वो है अवतल दर्पण, और इसी की फोकस क्या होती है, ऋणात्मक। समझने के लिए दर्पण बना दिया, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा होता है, और दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है, यानी कि ध्रुव कहा जाता है, और ये जो केंद्र है इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र के वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख अक्ष। अरे आपको तो पता है ना, बहुत तेज हो तुम, हाँ बहुत तेज हो, हाँ बहुत तेज हो। तो ये देखिए वक्रता केंद्र है, पोल है, और अगर मुख अक्ष के समांतर प्रकाश किरण है ना आती है और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मुख अक्ष जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं, और पोल और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी। और ये जो पोल है उसको क्या मानेंगे हम, उसको हम क्या मानते हैं, मूल बिंदु मानते हैं चिन्ह परिपाटी के नियम से, और इधर की दूरी को क्या मानते हैं, नेगेटिव। तो फोकस दूरी इधर है, इधर है, फोकस दूरी इधर है, तो फोकस दूरी को क्या माना जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा, क्या माना जाएगा, नेगेटिव। आई होप आपको एग्जाम आंसर मिल गया होगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द फोकल लेंथ ऑफ विच मिरर इज नेगेटिव, किस मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो आपको पता होगा कि इसका जो आंसर है बहुत सिंपल है, कनके मिरर, बी नंबर ऑप्शन के साथ चलेंगे। और अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दीजिएगा ताकि मजा और आ जाए, और मजेदार तरीके से आपको पढ़ाएंगे, और मजा आने वाला है, जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए, वो दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है, अरे भाई साहब
है ना। अरे भाई साहब ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है। कैसे पता चला? एक बार मधु जी से पूछा गया था ये सवाल, है ना, मधु जी से, मधु से पूछा है ना सर सवाल, केवल एक बार स्वीटी से पूछा, इस बार मधु से पूछा। क्या पूछा मधु जी से बताइए, फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में क्या अंतर है? मधु जी कैसा मुंह बना ली, है ना, ऐसा। क्यों ऐसा मुंह बनाई? क्योंकि उनको आता था। क्यों आता था? चलिए आगे देखते हैं। आता था तो आता था, है ना, क्योंकि बता है बेटा फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। हाँ बता दीजिए कमेंट करके, फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। मधु जी को भी पता है, आपको भी पता हो, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो रिलेशन होता है वो होता है बराबर आर बाई टू का, यानी कि फोकल लेंथ रेडियस की आधी होती है, आधी होती है, आधी है ना, आधी होती है। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, मजा आने वाला है, बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ईजी सवाल है कि सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। अरे बाप, फिर एग्जामिनर बेवकूफ बना रहा है तुमको, हाँ कह रहा है कि तुम बेवकूफ हो। तुम बताओ कमेंट में बताओ, क्या तुम बेवकूफ हो? अगर नहीं हो तो लिखो नो, अगर हो तो लिख दो यस, लेकिन मुझे पता है तुम बेवकूफ तो हो नहीं। देखो क्या होगा आंसर, आंसर क्या होगा? समान दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर ऐसे लिखे थे ना, हथवा में नाम लिखे थे ना पूजा जी का, देखो पूजा जी का नाम लिखे हैं, पूजा जी का नाम, और पूजा जी का नाम कब दिखाई देगा? जब हम मिनिमम दूरी कितना रखेंगे? 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से पास ले जाएंगे, कम और कम ले जाएंगे तो नहीं दिखाई देगा। अरे आंख में पास चला गया, नहीं दिखाई दिया, थोड़ा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो दिखाई देगा, और दूरी बढ़ाएंगे तो दिखाई देगा, लेकिन न्यूनतम पूछा, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़िए, है ना, आगे बढ़िए। ये रहा आपके आंसर, ये रहे आपके आंसर, चलिए ये रहे आपके आंसर, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विजन। ओके थोड़ा इधर आओ, थोड़ा इधर आओ, चलो आगे। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग? ओहो क्या सवाल है, क्या सवाल है, आह हा क्या मजा आ गया भाई साहब, सवाल आधा पढ़ते ही पूरा सवाल का फील आ गया, है ना। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने से झुकता है? आप मुझे बताइए कौन सा रंग, कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने से झुकता है? अरे भैया और सवाल, इसमें सबसे कम झुकता है, हाँ और पूरा सवाल ये है, सबसे कम झुकता है, तो सबसे कम कौन सा किरण झुकेगा ये देख लीजिए, सबसे कम कौन सा किरण झुकेगा? तो सबसे पहले प्रिज्म बनाते हैं, क्या बनाते हैं? प्रिज्म, है ना, डू यू नो प्रिज्म, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म होता है, देखिए इस तरीके से, और यहाँ से जब श्वेत प्रकाश जाती है ना, श्वेत कलर इस पर चलेगा नहीं, इसे लाल से ही बना रहे हैं, श्वेत प्रकाश जाती है तो बेटा क्या होगा, ये अलग अलग रंगों में क्या होता है, टूट जाता है ना, अलग अलग रंगों में क्या होता है, टूट जाता है, जाना चाहिए इसे, लेकिन अलग अलग रंगों में क्या होता है, टूट जाता है, और इस तरीके से क्या होगा, निकलेगा रंग, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो ये वी आई बी जी वाई ओ आर, ठीक है, ओ आर, तो ये सबसे ऊपर आया लाल रंग, ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें तो सबसे कम विचलन, सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल रंग का, सबसे कम पूछा है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, लाल, ये लाल है और ये बैगनी, सबसे ज़्यादा कौन मुड़ता है, बैगनी, सबसे ज़्यादा पूछता तो बैगनी, ठीक है, तो बैगनी, सबसे ज़्यादा पूछता तो बैगनी, और सबसे कम पूछता तो लाल, सबसे कम लाल है, बैगनी मतलब आई बैगन, बैगनी मतलब आई बैगन, है आई वाला कलर, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, हाँ दिखाई दे दिया ना, हाँ, अगर बैगनी ये सबसे कम पूछता, सबसे ज़्यादा पूछता तो बैगनी, सबसे ज़्यादा पूछता तो बैगनी, आई बैगन वाला, आई बैगन वाला बैगन, और सबसे कम पूछा है तो लाल, सबसे कम पूछा तो लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रहा अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, चलिए, है ना, मानव आँख की रेटिना, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? ये जो मानव की आंखें होती है, जो आपकी आंखें हैं काली काली आंखें, काली काली नहीं ना, झील से गहरी आंखें है ना, ये पूजा जी की आंखें बड़ी गहरी है भाई, और पूजा जी की आंखों पे इमेज की छवि कैसी इमेज दिखाई देती है? तो मान लो हम पूजा जी के सामने चले जाएं तो हमारी फोटो कैसे दिखाई देगी? अरे वास्तविक और उल्टी दिखाई देगी, है ना, तो हमारे आंखों पर इमेज कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा, अरे बैगन कलर से नहीं, आई बैगन नहीं बोलेंगे, हाँ वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, रियल और, अरे वास्तविक सीधा हम चला गया, मुक्का मार देंगे, ये बी ऑप्शन, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए फटाफट, चाहे तो सवाल पढ़ लीजिए एक बार, चाहे तो सवाल, कह रहा आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? है ना, सो गया ये जहां, बताइए आकाश का रंग नीला क्यों होता है? बताए थे ना आपको, बताए थे ना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जिस रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, प्रकीर्णन बताया था ऐसी घटना जहाँ प्रकाश की किरण छोटे छोटे कणों पर इधर उधर क्या होती है, बिखर जाती है। अब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी है, ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है,
और अर्थ के चारों तरफ वायुमंडल है, तो जब किरण आती है तो वायुमंडल के छोटे छोटे कणों से टकराकर इधर उधर क्या होती है, बिखर जाती है, बिखर जाती है, जिसकी वजह से है ना जो नीला रंग है, नीला रंग उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है और वही हमारे आंखों तक पहुंच पाती है, जिसकी वजह से आप देखें कि आपका जो आसमान है वो आपको नीला दिखाई देता है, आसमान आपको नीला दिखाई देता है। चलिए आई होप आपको वीडियो दिख रहा होगा। यार किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता है, किस दर्पण से, अरे ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है। अरे आपने गया है ना शेविंग मिरर, है ना सैलून गए हो तुम, सैलून जब जाते हो, अरे तुम जाते हो ना बाल वाल बनवाने जाते हो ना, दाढ़ी तुम्हारी आई नहीं होगी, बहुत लोगों की आ गई होगी, है ना बूढ़े हो गए हो तुम, है ना तो बहुत लोगों की आ गई होगी, तो जिनके पास दाढ़ी आ गया होगा वो गए होंगे सैलून, और जब वो सैलून में जाते हैं तो उनका थोबड़ा बड़ा दिखाई देता है। अब घर वाले मिरर में तुम्हारा थोबड़ा एकदम जैसा है जितने आकार का है, क्योंकि समतल दर्पण होते हैं तो बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन तुम अगर सैलून में चले जाओ तुम्हारा थोबड़ा बड़ा दिखाई देता है। अगर तुम्हारा थोबड़ा बड़ा दिखाई देता है ना, तो कौन सा मिरर लगा होता है आपको पता है, अवतल दर्पण। और इसके अलावा भी अवतल दर्पण के कई सारे उपयोग हैं, मुझे एक मिनट का समय दीजिए। चलिए आगे, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आगे देखें तो आपको बता दिया कि सबसे बड़ा जो वस्तु, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बड़ा बनता हुआ है अवतल दर्पण में। कहाँ बनता है? अवतल दर्पण में। भूलोगे नहीं ना मास्टर, कहाँ गया सैलून, किस लिए? दाढ़ी बनाने। क्यों क्यों? अरे हैंडसम दिखना पड़ता है। हाँ हैंडसम दिखना पड़ता है, हाँ हैंडसम दिखना पड़ता है, क्या पता शादी का रिश्ता ही आ जाए, क्या पता शादी का रिश्ता ही आ जाए। चलिए भाई आगे। तो कनकी मिरर आंसर हो गया, पता चल गया ना भैया बड़ा इमेज कहाँ बनेगा, कनकी मिरर में। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ठीक किया जाता है? अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया था निकट दृष्टि दोष क्या होता है, आपको मैंने बताया था एक पति एक पत्नी वाला एग्जांपल दिया था निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता है, है ना। तो एक ऐसी पत्नी जो करवा चौथ का व्रत रखी है और उसका पति भी टकला है, और आप जानते हैं करवा चौथ में क्या होता है, चांद को देखना पड़ता है, तो यहाँ दो चांद हो गए, एक पति का अपना चांद है और एक आप मज़ा आ गया आपको, है ना समझने के लिए, बहुत मज़ेदार ट्रिक है ये, है ना। देखिए समझाने के लिए भाई कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम फील लेके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, नहीं एग्ज़ाम का प्रेशर लोड नहीं लेना है, टेंशन नहीं लो भाई आपके साथ एकदम खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी दिक्कत आए फ़ोन करिए, डाउट बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप कहीं से भी देख रहे हैं इस वीडियो को, कहीं से भी देख रहे हैं, तब आग लाइक इनसे ठोक दीजिए, पहुँचा दीजिए सब तक, बिहार बोर्ड के उन सारे बच्चों तक पहुँचा दीजिए जो 10th का एग्जाम देने वाले हैं 15 फरवरी को, और जब वो देख कर जाएंगे ना पूरा एक्सप्लेनेशन मिला है पूरा, एकदम गलत करके नहीं आओगे तुम, क्योंकि जो मैं सिखाऊंगा वही एग्जाम में जाएगा, रटा हुआ ए बी सी डी करके जाओगे तो फिर वहाँ ए का सी कर दोगे, सी का डी कर दोगे, ए बी सी डी नहीं कराएंगे। हाँ जिनको नहीं आता वो ए बी सी डी कराते हैं, भाई साहब पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए निकट दृष्टि दोष को समझते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, क्या होता है बताओ, है ना। एक पत्नी होती है, उसने करवा चौथ का व्रत रखा है और उसका पति टकला है, अब क्या होगा, दो चांद को यानी पति को चांद के सामने खड़े करते हैं, चलनी है, फिर वहां दीप रखते हैं, फिर दिखाई देता है, आप सबको पता है ना। तो उसमें क्या होता है, दो चांद है, तो निकट दृष्टि दोष में निकट का चांद, तो पति तो निकट है, चांद बहुत दूर है, तो कौन सा चांद दिखाई देगा, पति का चांद तो दिखाई देगा लेकिन दूर का चांद दिखाई नहीं देगा, क्योंकि औरत को क्या है, निकट दृष्टि दोष है। अब वो औरत चाहती है कि नहीं हमारा तो व्रत अधूरा रह जाएगा, और व्रत को पूरा करना चाहती है, तो अगर व्रत को पूरा करना चाहती है तो क्या करेगी, लेंस लगाएगी। कौन सा लेंस लगाएगी, मैंने कोई ट्रिक बताया था, निया निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में अवतल ओ माई गॉड, हाँ निया अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कहीं है जी, अरे यही ना है, यही अंतरवा है। बोलो कि नहीं, बोलो जल्दी बोलो, हाँ कमेंट बोलो, सी 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 कर दो। ओ माय गॉड, निकट दृष्टि दोष समझ में आ गया मास्टर, मजा आ गया एकदम, का मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया एकदम, का मजा आया है, है ना। क्या आप ये मजा पूरे हिंदुस्तान को देना चाहते हैं, हैं या पूरे बिहार को देना चाहते हैं? अगर ये मजा पूरे बिहार को देना चाहते हैं तो सेशन को कर दीजिए शेयर, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार सीरीज लेके आ रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, SST का वीडियो आ गया है देख लीजिए, यूट्यूब पे अपलोडेड है, उसके अलावा मैथ का वीडियो अपलोडेड है, हिंदी का वीडियो अपलोड हो चुका है, फटाफट देख लीजिए, और संस्कृत का वीडियो भी जल्दी अपलोड होगा, और उसके अलावा हमारा जो वीडियो लगातार आप तक पहुँचता रहेगा, तो आपकी तैयारी में एकदम जान आ जाएगा, है ना। एग्जाम तक आपके साथ है, एग्जाम के बाद भी आपके साथ है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए सवाल पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत की
विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर मुझे करंट के प्रेजेंस को बताना है कि करंट है कि नहीं, तुम कभी मोबाइल दुकान पे गए होगे तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, दो तार सटाता है और उसमें से एक ऐसे है ना एक नीडल होती है, वो नीडल ऐसे होता है पहले, फिर वो नाचने लगती है, कभी इधर इस तरीके से नाचने लगती है, और वो क्या बताता है, करंट के उपस्थिति के बारे में बताता है। जैसे बैटरी होती है, बैटरी में चेक करना है करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, वही लगा लेते हैं। लेकिन भैया हम लोग प्रतिभावान है, बिहारी है, भारतीय हैं, जुगाड़ लगा लेते हैं। जो बैटरी आती थी नोकिया की, ऐसे जुबान पे सटाते थे, झटका लगा, अरे करंट है, करंट है, करंट है, जुबान ऑप्शन में नहीं है ना, गैल्वेनोमीटर है। क्या है? गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर करंट की उपस्थिति का पता लगाने में यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक का प्रेजेंस, प्रेजेंस प्लस यानी करंट के प्रेजेंस के बारे में पता करना है, गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। देख लीजिए, शॉट मारना है, स्क्रीन शॉट मारना है, ले लो, हमने कौन सा तुमको मना किया है। हाँ, अगर आपको ये PDF चाहिए तो WhatsApp कर दीजिएगा, भेज देंगे आपको, कोई बुराई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, कह रहा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, हु गिव्स द राइट हैंड थंब रूल, किसने दिया था, मैक्सवेल साहब ने दिया था। तो हमारे जो मैक्सवेल साहब हैं, उन्होंने राइट हैंड थंब रूल दिया था। कहाँ गया मैक्सवेल साहब, कंप्यूटर वहाँ से मैक्सवेल साहब पे लॉक किया जाए, आंसर मिला। समझा भी देते हैं राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है। अगर मुझे किसी चालक में, चालक डू यू नो, चालक तार की बात कर रहे हैं, चालक है ना, ये चालक है, ये चालक है, इसमें करंट इस तरीके से जारी है, इसमें करंट इस तरीके से जारी है, तो जब किसी चालक से धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए जिस नियम का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, यानी कि हिंदी में क्या कह देंगे, देखो क्या लिखा हिंदी में, देख, है ना, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल, जिसमें थंब क्या होता है ना, जो हमारा थंब है ना, मैं बता रहा हूँ कहाँ थे हम, यहीं थे, है ना, मैक्सवेल साहब ने ये रूल दिया है। तो ये अगर मान लो ये जो करंट की डायरेक्शन ये है, तो हम अपने अंगूठे को, अंगूठे को है ना धारावाही तार की दिशा में रखेंगे, और बाकी जो उंगलियां हैं, बाकी की जो उंगलियां हैं वो क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो अगर मान लीजिए ये धारा, ये चालक है और इससे धारा ऊपर की ओर जा रही है, तो अपने अंगूठे को क्या करेंगे, अपने अंगूठे को हम धारावाही चालक की दिशा में, यानी जिधर करंट जा रही है उस दिशा में रखेंगे, और बाकी की जो उंगलियां होंगी, जो कर्लिंग फिंगर होगी, ट्र ऐसे करके ट्र ट्र ट्र, जिधर जो उंगलियां ट्र हो जाएगी, हाँ जिधर मुड़ जाएगी है ना, वही क्या होगा, जिधर उंगलियां मुड़ेगी वही क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो अगर करंट ऐसे जा रहा है तो उंगली ऐसे मुड़ेगी, तो मतलब ऐसे मुड़ेगी, ऐसे 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 इस तरीके से मुड़ेगी। तो आप मुझे बताइए, कभी आपने घड़ी दीवार पर देखा होगा, तो घड़ी की सुई अगर ऐसे 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 चलती है, तो एंटी क्लॉकवाइज चले, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई बेटा ऐसे चलनी चाहिए। अगर आपको घड़ी की सुई ऐसे दिखाई दे रही है, तो आपका समय उल्टा चल रहा है। तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसके अलावा अगर धारा की दिशा बदल दी जाए, तो अगर धारा की दिशा बदलेंगे तो थंब को धारा की दिशा में रखेंगे, और अब जो उंगली मुड़ रही है वो इस तरीके से मुड़ रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो घड़ी की सुई जिधर जा रही है उधर, इस डायरेक्शन को कहते हैं क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। दो दिशा होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है और एक क्लॉकवाइज होता है। चलिए, और भी केसेस पॉसिबल है, हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर। चलिए, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। विभवांतर का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, वोल्ट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा ही मात्रा क्या होगा, वोल्ट होगा। ले लगा दिया आंसर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये भी बताइए। देखिए, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। हाँ, अच्छा, थोड़ा और इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं, है ना, थोड़ा और इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं, है ना, क्या था ये अनुष्का शर्मा है, ये विराट कोहली जी है ना, ये अनुष्का शर्मा है, ये विराट कोहली जी है। मुझे बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल इसका कितना है, 440 वोल्ट। इसका पोटेंशियल कितना है, 220 वोल्ट, ठीक है, सॉरी, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट। हाँ, अब मुझे बताओ है ना, अगर मैं दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, है ना, 440 माइनस 0, तो 440 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस में मेजर करते हैं, वोल्ट में। किस में मापते हैं, वोल्ट में, है ना। और आपने गाना सुना होगा है ना, अनुष्का, ये अनुष्का शर्मा जी का, लगे 440 वोल्ट छूने से पहले। तो याद रखिएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम किस में मेजर करते हैं, किस मेजर करते हैं, फटाफट बताइए, है ना, उसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं। क्या, निम्नलिखित में से प्रतिरोध, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अगर आप प्रतिरोध के मान को बढ़ाना चाहते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू इंक्रीज द मान ऑफ यानी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो आपको सीरीज क्रम में जोड़ना होगा, सीरीज में जोड़ना होगा, और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो होता है R1 + R2 + R3, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर आप प्रतिरोध को जोड़ते जाएंगे,
तो रेजिस्टेंस ये प्रतिरोधकों को यानी कि रेजिस्टर को जोड़ते जाएंगे तो उसका प्रतिरोध हमेशा बढ़ते रहेगा। लेकिन आपको उसमें जोड़ना किस में पड़ेगा, सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, है ना, लोगों तक पहुँचाइए, कंजूसी मत करिए। तुम कंजूस नहीं हो, पता है ना, हमारे मामा जी कंजूस है भैया, हाँ, लेकिन तुम नहीं हो, कंजूसी नहीं करनी। हाँ चलिए आगे। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, जो चुंबकीय बल रेखा वो काल्पनिक होती है। होता है क्या है कि मान लीजिए चुंबक है, एक बार मैग्नेट है ना, ये बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, क्योंकि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव, ओ माई गॉड, है ना। अब नॉर्थ से जो रेखाएँ हैं उस तरीके से साउथ की ओर जाती है, तो चुंबक के बाहर ये रेखाएँ नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, नॉर्थ से साउथ। किताबों में सा डायग्राम तुमने देखा होगा, देखा होगा, जी हाँ आपने देखा होगा, ठीक है, इस तरीके से देखा होगा आपने, ठीक है। तो ऐसे ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। तो ये जो रेखाएं हैं वो काल्पनिक होती है, ऐसी कल्पना होती है, ऐसे मानते हैं कि ये रेखाएं इस तरीके से होती है। जो चुंबक के बाहर हम क्या करते हैं, है ना, कंपास लेके सारे डायरेक्शन को मेजर कर लिया जाता है। आपकी किताब में ऐसा एग्जाम्पल दे रखा है, ये रेखाएँ आप कल्पना करके रखी, बनाई गई है, तो ये काल्पनिक रेखाएँ हैं। चलिए क्लियर बात, क्लियर है बात, क्लियर है बात, ठीक है। नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इमेजिनरी, इमेजिनरी। किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, किलोवाट, देखिए आपके घर में जो बिजली आती है उसको हम किलोवाट में मेजर करते हैं। एक के डब्ल्यू एच बराबर वन यूनिट होता है, एक के डब्ल्यू एच बराबर क्या होता है, वन यूनिट, है ना, और एक यूनिट का भैया 7-8 रुपये लग जाता है यार, बड़ी बिजली महंगा हो गया। सोचना चाहिए गवर्नमेंट को इसके ऊपर, नहीं सोच रहे ना, कोई बात नहीं। तो बेटा एक के डब्ल्यू एच में कितने जूल होंगे, एक के डब्ल्यू एच में, हाँ हाँ पूजा जी को बता रहे हैं, देखिए ए पूजा जी सुनिए, एक के डब्ल्यू एच में 3.6×10⁶ जूल होगा, सुन लीजिए आप भी, आप भी सुन लीजिए, सुना दिए ना, सुना दिए ना पूजा जी को, है ना। पूजा जी लाइक करिए वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, देखिए ऐसी ऊर्जा जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो ऐसी ऊर्जा जिनका पुनः चक्रण किया जा सकता है, नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है। तो इसमें देखिए मुझे बताइए ऐसी कौन सी ऊर्जा है जिसका हम पुनःचक्रण कर सकते हैं, लगातार बार बार उपयोग कर सकते हैं, और जिसके उपयोग करने के बाद उसकी समाप्ति कभी नहीं हो सकती, कभी समाप्त नहीं हो सकता है, कभी समाप्त नहीं हो सकता है, क्या है वो, सौर ऊर्जा। वो क्या है, सौर, कोयला खत्म हो जाएगा, हाँ नाभिकीय ऊर्जा ये खत्म हो सकता है ना, लेकिन सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकता है, हाँ कभी सौर ऊर्जा खत्म नहीं हो सकता। प्राकृतिक गैस से जो ऊर्जा ले रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन कभी सौर ऊर्जा खत्म नहीं हो सकता। सूरज अनंत काल से है ना, बहुत लंबे समय से है, जब से पृथ्वी है सूरज भी है भैया। चलिए तो सूरज कभी खत्म नहीं होगा ऐसा हमारा मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, देख रहा है विनोद, है ना, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है। अरे यार अपसारी, देखो हाई वाला लेंस जाना तर हाई वाला, हाँ तो ई प्रकाश के केंद्र होगी, होगी ना, मोहवा में दवा खा ला अब पैरवा के घवा ठीक हो जाला, तो ई होगी ना प्रकाश के केंद्र। चलो ये इसका क्या है, वक्ता केंद्र, ये भी इसका क्या है, वक्ता केंद्र, टूचुक। ये जो लाइन हम बना रहे हैं ये मुख अक्ष, क्या है, मुख अक्ष, ठीक है। अब मुख अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है, वो लेंस से अपवर्तन के वादे से दूर चली जाती है ना, और प्रकाश की किरणों का दूर चला जाना ये कहलाता है अपसरण या अपसारी कहलाता है। तो ये जो लेंस है इसे अपसारी लेंस कह देंगे। तो ये जो लेंस है इस लेंस का नाम है अवतल लेंस, क्या नाम है, अवतल लेंस, है ना, अवतल लेंस, है ना, कनकेव, कनकेव लेंस, जी हाँ जी हाँ, अंसारवा मिला, हाँ मिल गया मास्टर, मास्टर मिल गया, हाँ कोई मिल गया, आंसर मिल गया, ये बोलो, ये बोलो तुम, आंसर मिल गया, मज़ा आया, हाँ मज़ा आ गया भाई साहब। कह रहा प्राथमिक रंग, कह रहा देखिए रंग की दो कैटेगरी बनाई गई है, प्रकाश का प्राथमिक रंग यानी कि दो कैटेगरी बनाई गई है, प्राथमिक और द्वितीयक। जो प्राथमिक रंग होता है लाल भी प्राथमिक है, नीला भी प्राथमिक है, हरा भी प्राथमिक है, तो उपरोक्त सॉरी, है ना, द्वितीयक रंग क्या होता है, जो प्राथमिक रंग से बनाए जाते हैं, तो ये प्राइमरी कलर है, प्राइमरी कलर है। अलफ दी जान से लगाइएगा, नहीं दिख रहा है तो लाल से लगा देते हैं, ये लो टूचुक टूचुक। आगे बढ़िए, बढ़ जाए आगे, तुम बोल दो हाँ तो हम बढ़ जाएंगे, बिकॉज आई लव यू ऑल, जितना प्यार तुम हमसे करते हो उतना ही हम तुमसे करते हैं, हाँ जितना तुम करोगे उतना ही करेंगे, जितना रिस्पॉन्स दोगे उतना बढ़िया चीज़ लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, बहुत गजब। ऑफलाइन में हम लोगों ने बवाल मचा दिया था, बवाल मचा दिया था, बच्चों ने कहा कि सर ऑनलाइन भी बवाल मचा दीजिए, मचा देंगे, मचा देंगे, तुम्हारा सपोर्ट मिल जाए मचा देंगे, मचा रहे ना,
तुम भी मचाओ हम भी मचाएंगे, मिलके बवाल मचाते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? देखिए, आपने कभी ऐश्वर्या राय का आंख देखा होगा, बड़ी डूब जाओगे तो उनकी आंखों में, बड़ी गहरी है भाई, है ना, तो उनकी आंखें बड़ी अजीब टाइप की, मतलब अलग कलर है। तो एक्चुअली में आंख का जो कलर होता है वो आइरिस का ही कलर होता है ना। तुमने गाना भी सुना, गाने से कहा आज ब्लू है, ओ ब्लू आइज हिप्नोटाइज वाला, हाँ आगे नहीं बोलना छी पाप है, केवल समझने के लिए हम सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, मास्टर किसी बात को दिल पे नहीं लेना है, केवल समझने के लिए कहा गया है, केवल समझने के लिए कहा गया है, समझे छोटू, हाँ समझने के लिए कहा गया है, केवल आपको समझाने के लिए। हाँ ये बात कमेंट में तुम पूजा जी ही लिख देना, कमेंट में पूजा जी कौन थी सर, बताओ जल्दी बताओ सर, है ना। चलो आगे, एक एचपी बराबर होता है, देखिए एक्चुअली शक्ति को मापने के लिए ना हॉर्स पावर यूज करते हैं, जैसे कई बार मशीन, बड़े बड़े जो मशीनों होती है उसकी शक्ति हम हॉर्स पावर मापते हैं, है ना। तो लेकिन अगर छोटे मोटे शक्ति, जैसे आपको हीटर की शक्ति मापना है तो हीटर पे वाट में माप लेते हैं, 400 वाट का होता है, 800 वाट का होता है, 1200 वाट का होता है, इस तरीके से। लेकिन जो बड़ी बड़ी मशीन है उसकी जो शक्ति है वो हॉर्स पावर में मापी जाती है, और वो 1 HP बराबर होता है 746 वाट। वाट, चलो मिल गया आंसर, टू चुक कर लो, आंसर मिले तो टू चुक कर लो। चलो आगे, क्या लिखा है? विशालक शीशा, यानी कि विशाल, अरे वाह 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 वाह, विशालक शीशा, मैग्नीफाइंग ग्लास। देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में हम किसी लेंस का यूज करते हैं, और वो कौन सा लेंस है, है ना, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये सारी दुनिया जानती है, तो होगा उत्तल लेंस, है ना। ये अक्षरों को थोड़ा बड़ा करके दिखाता है, क्योंकि उत्तल लेंस में किसी भी, जब आप प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में ले जाइएगा तो आपको बेटा बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो आपने देखा होगा कि जो किताब के छोटे छोटे अक्षर होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं उनको जो पुरानी पुरानी किताबें नजर आती है उसमें बहुत अक्षर को समझने के लिए उसे जूम करके देखता है, तो उत्तल लेंस ही होता है। आप भी अपने छोटी छोटी किताबों को देखने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो घर ही ठीक करने वाला मिस्त्री होता है वो भी इसका यूज ऐसे करके देखता है। तो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, हाँ कन्वेक्स लेंस। सॉरी, हमको लग रहा कुछ बढ़िया बन रहा है अगल बगल, है ना, खुशबू आ रहा है, आह मजा आ गया भाई साहब, है ना, सूंघ के ही मजा आ गया। चलिए ये वाला लेंस होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, पूरे 2 लाख रुपए के लिए। हाँ 2 लाख कहाँ से दोगे मास्टर, कहाँ से दोगे, सवाल बता दिए तो बताओ, देखेंगे पैसा होगा दे देंगे। चलिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। ये देखिए चालक तार है, है ना, एकदम चालक तार है, इसमें पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गति करता है जिसकी वजह से धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा ये है, एक इलेक्ट्रॉन अगर हेने जाता तो करंट हेने होई, है ना, हेने जानते रहो, अरे इधर जाई तो करंट की दिशा क्या होगी, अपोजिट होगी। जिधर इलेक्ट्रॉन गति करता है उसके विपरीत दिशा में धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। समझ में आया, यस सर। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते तो करंट फ्लो नहीं होता, समझे बाबू जी। एम्पियर घंटा मात्रक किस है, एम्पियर और घंटा मात्रक किसका मात्रक है, आप देखिए पहले एम्पियर किसका यूनिट है, करंट का, आई का, और घंटा किसका यूनिट है, टाइम का, है ना। तो आपको पता है एक फार्मूला होता है Q बराबर आई टी, या फिर I बराबर Q बाई टी होता है। तो Q बराबर क्या होगा, इट होगा, है ना, Q बराबर क्या होगा, इट, अरे I बराबर Q बाई टी होता है, तो कैसे याद रखते हैं, लड़के लोग बोलेंगे QT, लड़के लोग के लिए QT, और लड़के लोग के लिए क्यूटा, हाँ क्यूटा, तुम लोग क्यूटा, है ना, अब QT बोलेंगे तुमको ठीक नहीं लगेगा ना, जेंडर नहीं बदलना है तुम्हारा। Q बराबर क्या होगा, इट हो जाएगा। अब I मतलब करंट, करंट के यूनिट क्या होगी, एम्पियर, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी, टाइम, क्या हो जाएगा, सेकंड, ऐसा यूनिट होता है, लेकिन बेटा ये बड़ा सा यूनिट हो गया, टाइम ले लिया, घंटा में ले लिया, तो आर, तो एम्पियर इंटू आर किसका यूनिट हो जाएगा, चार्ज का, क्यू मतलब चार्ज, आवेश, आवेश, है ना, चार्ज आवेश का। चलिए समझ में आया, समझ में आया तो मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, है ना, आप सर्वोत्तम के प्लेटफॉर्म पे हैं, मुस्कुराइए, सर्वोत्तम आपके साथ हमेशा है, मुस्कुराइए, है ना, मस्त होकर एग्जाम दीजिए, जबरदस्त होकर एग्जाम दीजिए, मजा आने वाला है, सेशन को करते रहिए, शेयर पहुंचाते रहिए, फैलाते रहिए, आग लगा दीजिए आप लोग, है ना, कमेंट बॉक्स में जाके आग लगा दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, कौन सा ऐसा यूनिट जो वाट के बराबर होता है, देखिए पावर होगा तो वाट लगा दोगे, मोदी जी के पास पावर है, दुनिया की वाट लगा सकता है, पी बराबर क्या होगा, W/T। अरे भैया मैं मोदी के सपोर्टर नहीं हूँ, है ना, जो सत्ता में होते हो पावरफुल होते हैं, बस इसलिए बोला, है ना, ये नहीं कि RJD का फाइन है ना,
कुछ भी बोल देना, नहीं भैया पॉलिटिक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है, चलिए क्योंकि हम विज्ञान वाले लोग हैं, पॉलिटिक्स हमारा कोई दूर दूर तक लेना नहीं है, आई ओनली फॉलो द विज्ञान, विज्ञान क्या कहता है जो कहता है हम भी वही कहते हैं। चलिए आगे, P बराबर डब्ल्यू वाई टी, तो ये जो W है वो कार है, कार की यूनिट होती है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, और जूल पर सेकेंड किसके बराबर होता है, वाट के बराबर होता है, वाट के बराबर होता है, जी हाँ भाइयों बहनों किसके बराबर होता है, वाट के बराबर। मैं पूरे देश से कहना चाहता हूं कि जूल पर सेकंड क्या होता है, वाट के बराबर होता है, जी हाँ जी हाँ। विद्युत धारा कैसा ही मात्रक, नहीं बता दोगे, नहीं बता दोगे एम्पियर, अरे नहीं बता दोगे है कौन सा पी आर एम्पियर, ओ माई डियर द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, हाँ लिख देता हूं मैं, लो लिख देता हूं, ओ माई डियर द यूनिट ऑफ करंट, द यूनिट ऑफ करंट, द यूनिट ऑफ करंट, अरे हट हट हट, तुम कहे हटा बे, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, एम्पियर इसको हम ए से लिखते हैं भैया, शॉर्ट में, शॉर्ट में किससे लिखते हैं, ए से, आंसर मिला एम्पियर, एम्पियर, ओ माई डियर एम्पियर। चलो आगे, चलो ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला सवाल, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस की वजह से होती है, CO2 की वजह से, ऑप्शन है आगे, ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है, CO2 की वजह से, बवाल मचा दो कमेंट में, पता है पिछले साल के एक्सप्लेनेशन में, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहते हैं इस सवाल का तो पिछला वीडियो देखिए, उसमें आपको मैंने ये बता दिया है, बहुत अच्छे से समझाया ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। अरे शब्द से तो पहले फैमिलियर हो लेकिन इसका मीनिंग भी समझना बहुत जरूरी है, शब्दों का मीनिंग समझिए, अगर दो नंबर में पूछ दिया तो क्या करोगे, ये ऑब्जेक्टिव सेशन भी नहीं है, केवल ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव भी आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि केवल आप ऑब्जेक्टिव के उद्देश्य से देख रहे हैं, सब्जेक्टिव भी एक्सप्लेन किया जा रहा है, और जहां लगे मास्टर कुछ बोल रहा है लिखने का मन है पॉज करिए वीडियो को, कॉपी उठाइए पेन उठाइए लिख दीजिए, हाँ लव लेटर लिख देते हो, डेफिनेशन नहीं लिखोगे, अरे ही नहीं आता है सर हमको लिखने, लव लेटर में लिखते हैं आई लव यू पूजा, है आई लव यू पूजा, बड़ी मार खाओगे तुम, चलो आई लव यू मधु लिख दो, हाँ लिख दें, नहीं नहीं ठीक, चलिए शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का जब पाचन होता है तो ग्लूकोज टूटता है और वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है ना, तो बेसिकली क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया होती है इस प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं या फिर हिंदी में उपचयन कहते हैं, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा टूचुक अटूचुक, टूचुक अटूचुक। चलिए आगे अगला सवाल, क्या सवाल है, कली चूना है ना, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो क्या होता है, अरे तुमने मजदूर को देखा होगा, ये तो मजदूरवा बता देगा कि चूनावा में जब पानी मिलाते हैं तो चूने का जल बन जाता है, हाँ मजदूर बता देगा जिसको तुमने देखा होगा कि दीवार पे वाइट वॉश कर रहा होता है, पॉलिश दीवार में व्हाइट वॉश कर रहा होता है, तो देखो कली चूना का फॉर्मूला होता है CaO, जब इसमें पानी मिलाते हैं तो कुछ कुछ होता है, क्या होता है बताओ, कुछ कुछ होता है, देखो भैया कि पानी में, या पानी में दो चीज होती है, देखो ध्यान से, पानी में OH होता है और H भी होता है ना, H होता है OH होता है, पानी में क्या होता है, H होता है और OH होता है, बताओ मुझे यहाँ क्या होगा, देखिए तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाते हैं बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ ऑक्सीजन कितने दो, हाइड्रोजन कितने दो, देखिए पानी में OH था और एक H था, यहाँ से एक HO के साथ आया तो OH और OH, कितने OH हो गए दो, यहाँ कितने OH है, ऑक्सीजन भी दो हाइड्रोजन भी दो, लॉजिकली सोचो कैसे बना दिया हमने, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और इसके साथ पता ही क्या होता है, इसके साथ पता ही क्या होता है, इसके साथ बहुत सारी वो तुम देखे होगे, जब चूना में पानी मिलाया जाता है तो खोलने लगता है, यानी कि टेम्परेचर तापमान निकलने लगती है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा या ताप का उत्सर्जन बाहर निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा छेपी कहते हैं, ऊष्मा छेपी कहते हैं, ऊष्मा छेपी कहते हैं, व्हाट इज दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट इज दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक क्रियाशील है, सबसे अधिक क्रियाशील है, चार ऑप्शन होगा नीचे, हाँ यही चार है, चार है, देखा तुझे तो मैं जाना सनम मेरी आंखों में तुम, गाना पर ध्यान नहीं दो, सवाल पर ध्यान दो, है ना, पूरा सीरीज ही लिख दिए थे है ना, तो देखिए ये हाइड्रोजन से नीचे वाले हैं, तो हाइड्रोजन से नीचे क्या बताया था, है ना, कहे हाँ जी आरती अपने पति से, नया नया शादी हुआ है ना आरती का, इसलिए हाँ जी ए जी चलता है ना, कहे हाँ जी आरती अपने पति से, तो कहे हाँ जी आरती अपने पति से, तो ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है और बाकी ये सबसे कम अभिक्रियाशील है, मिल गया जवाब, मिला जवाब, टुचुक टुचुक कर दीजिए एकदम, आंसर मिला दीजिए, खटाखट मारिए, खटाखट मारिए, ये लो आंसर आवा, ये लो, हाँ ये लो। चलो आगे, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, अभी ना बताए हैं, जब
चूना में पानी मिलाया जाता है, चूने का जल बनता है, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जी हाँ, आंसर मिला, लाइम वाटर अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेजी में ठोके तो लाइम वाटर। बहुत ईजी है भाई, अंग्रेजी हिंदी पढ़ो मत, बहुत ईजी है, ठोक दो आंसर। हाँ, तुम सोचो बार अपना इधर क्यों देख रहा हूँ, इधर देख रहे हैं कि तुमको क्लियरली दिखाई दे रहा है या नहीं, तुमको सुनाई दे रहा है या नहीं। ऐसा होता है कई बार, पूरा वीडियो रिकॉर्ड करते थे, पता चला आवाज़ ही नहीं आया, इसलिए देखना पड़ता है बार, है ना। चलो आगे, बड़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं, है ना, ताकि आपका नंबर आ जाए, और आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। आपने हमारा स्लोगन पढ़ा होगा, योर एम आवर ड्रीम, जो आपका एम है वही हमारा ड्रीम है, योर ड्रीम आवर एम, जो आपका सपना है वही हमारा गोल है। तो आपका सपना पूरा करना ही हमारा गोल है, लगातार बने रहिए हमारे साथ, बहुत अच्छा करेंगे आपके लिए। आइए देखें, और आप भी बहुत अच्छा कीजिए हमारे साथ। कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर दे, उसका पीएच क्या होगा? देखो, लाल को नीला कर दे, अला अला छानी। तो अगर कोई विलियन लाल करता है उसे अम्ल कहते हैं, तो अ से अम्ल, और अम्ल क्या कर देता है? लाल, लाल कर देता है, इसको हम नीला से बना देते हैं। हमारे पास नीला भी है ना, नीला। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, तो छार क्या कर देगा? नीला। छार क्या कर देगा? नीला, ठीक है, छानी नीला। और नीला छार जो होता है, छार नीला कर देगा, और छार का पीएच 7 से ज़्यादा होता है। एक ही ऑप्शन होगा, 7 से ज़्यादा वाला, एक ही ऑप्शन है। अच्छा, दो ऑप्शन है, ए भी है और बी भी है, है ना। तो ए भी है, बी भी है, तू भी है, मैं भी हूँ, तू भी गोल, मैं भी गोल, सारी दुनिया गोल बटोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल गोल, जल्दी बोल तुम्हारी मौसी गोल गोल। हाँ चलो आगे, तुम्हारी मौसी गोल गोल, है ना, मौसा को बोलो चकोर, लेकिन मौसी को बोलो गोल गोल। एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? कितने दिखाई दे रहे हैं? 3, है ना। देखो, अगर एल्केन होता तो एल्केन में एक बॉन्ड होते हैं, एल्केन हिंदी में लिख देते हैं, एल्केन में एक बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है, एल्कीन है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या है? एल्काइन है। क्या है? एल्काइन। कैसे याद रखोगे भाई, कैसे याद रखूंगा? एल्काइन, है ना। तो देखो, एक बॉन्ड है तो धीरे से बोलेंगे एल्केन, दो बॉन्ड है तो इन एल्कीन, तीन बॉन्ड है तो एल्काइन। हाँ, ज़्यादा बॉन्ड, ज़्यादा जोर लगाएंगे, मिल गया आंसर 3, कहीं तो होगा 3, है ना, कहीं तो होगा 3। बोलो 3, बोलो 3। आज देखो, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हुए तो क्या होगा? एल्काइन। मिला आंसर मालिक। चलो चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज, अरे यार ये कोई सवाल है, कितनी बार पूछेगा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, है ना, C6H12O6। ये पूजा जी से पूछा था सवाल, यार पूजा जी से पूछा था, एकदम हल्का सवाल पूजा जी से पूछता है, पूजा जी से, है ना। पूजा जी बताई थी क्या कि कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। पूजा जी खूबसूरत है, खूबसूरत है, खूबसूरत है, आंसर जवाब दे दिया, बहुत खूबसूरती के साथ जवाब दिया है। चलिए आगे, बस ये वीडियो हमारे बाबू जी ना देख रहे, मजा आ जाएगा। चलिए आगे, है ना, ये फार्मूला पूछा ग्लूकोज का। आगे देखें, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं, है ना, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को हम साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुन। क्या लिखा है अंग्रेजी में? सोडियम साल्ट फायर फैटी एसिड, है ना, जो वसा अम्ल है उसको फैटी एसिड कहते हैं, है ना। तो वसा अम्ल क्या होता है? एक लंबी सी कार्बन की श्रृंखला होती है ना, लंबी सी कार्बन की श्रृंखला होती है, और इसमें क्या होता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इसको हम वसा अम्ल कहते हैं, ठीक है, इसको हम वजह दें उच्च वसीय अम्लो, यानी इसको हम वसा अम्ल कहते हैं। और इसमें अगर सोडियम के लवण आ जाए, क्या आ जाए? सोडियम के लवण, ठीक है, तो अगर सोडियम के लवण आ जाए तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? ये साबुन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साबुन। तो सोप इसका क्या हो जाएगा आंसर? सोप। चलिए, अगर आप सोप और डिटर्जेंट पढ़ना चाहते हैं तो उसका एक स्पेशल वीडियो हम बना देंगे, जहां आपको सोप और डिटर्जेंट पढ़ाया जाएगा। तकरीबन 20 मिनट लगता है सोप और डिटर्जेंट को समझाने में, हाँ बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझाएंगे। तो अगर आप समझना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा कि सोप और डिटर्जेंट पर वीडियो बना दीजिए, और बाकी आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी आप कमेंट करके बताइए, तो आपके लिए कोशिश होगी कि आपका वो डिमांड पूरा किया जाएगा। तो कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट करिए, और सेशन को करते रहिए शेयर। चलिए, और हम करेंगे आपका केयर। चलिए, तो आप करिए सेशन को शेयर, और हम करेंगे आपका पूरा केयर भरपूर। अरे भैया, अरे भैया, अरे मैया, सवाल पूछा है ना कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। अरे अगर सी
एच ओ लिखा है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड। ये क्या है? एल्डिहाइड। सी एच हो गया एल्डिहाइड। चलो भैया आंसर मिला, याद रखिए डायरेक्ट डायरेक्ट एकदम इजी क्वेश्चन था ये सब तुम अगर छोड़ के आए ना तो मुक्का मारेंगे तुमको, सीधा मुक्का मारेंगे। अगर तुम छोड़ के आए, तुमको उसकी क्रिया है, क्रिया जानते हो, उसकी कसम है भाई, क्रिया नहीं समझोगे तुम। अगर ओकर कसम है, तुम अगर छोड़ के आया तो छोड़ोगे नहीं, तुम बता रहे हैं तुमको, छोड़ दिया ना फिर समझ लेना कट्टीस जीरो सब। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं, है ना, तो लेफ्ट से राइट चल रहे मतलब आवर्त में जा रहे हैं, आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट मतलब होता है बाएं, राइट मतलब होता है दाएं, तो क्या होता है? लगातार परमाणु की संख्या बढ़ती है। जैसे देखिए लिथियम, बरेलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके से बढ़ते हैं। तो जब हम इधर से इधर जाएंगे तो लगातार परमाणु की संख्या बढ़ती है, यानी कि जेड मतलब परमाणु की संख्या बढ़ती है। परमाणु की संख्या बढ़ेगी इसका मतलब प्रोटोन की संख्या बढ़ रहा है, प्रोटोन की संख्या बढ़ रहा है मतलब न्यूक्लियस की खींचने की ताकत बढ़ रही है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? प्रोटोन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो प्रोटोन बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस की खींचने की ताकत बढ़ रही है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस की खींचने की ताकत बढ़ेगी तो न्यूक्लियो एटम को क्या कर देगा? छोटा कर देगा। तो हम देखें तो जब हम बाईं से दाईं की ओर जाते हैं तो जो परमाणु त्रिज्या है वो घटती है, घटती है, हाँ 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 घटती है, डिक्रीज होती है। कमान हमने बना दिया, आप भी बना दो, चलिए आप भी बना दो, हाँ आप भी बना दो, नाच के दिखाओ मास्टर। खुद को मुगले आजम हमको अनारकली समझे हो। चलो निम्नलिखित तत्वों के उनके अधातु के गुणानुसार बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। अधात्विक गुण, सबसे ज्यादा अधात्विक गुण किसके अंदर होता है? उनको बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। देखिए घटते हुए क्रम और बढ़ते हुए क्रम, तो बढ़ते हुए क्रम में क्या होता है? पहले कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, ये बढ़ते क्रम है। घटते क्रम में क्या होता है? पहले ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम। चलिए आपको पता है जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो अधात्विक गुण बढ़ता है, अधात्विक। ओ हो, राजा जी सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाव। तो अधात्विक गुण क्या होगा? बढ़ेगा, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाव। चलिए मजा आ रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल मजा आएगा आपको, है ना, नाचो भैया नाचो, है ना, आंसर आने वाला है। कह रहा अधात्विक गुण बढ़ता है, तो अगर आप देखिए इन सब तत्वों को सजाइए तो ये सभी सेकेंड ग्रुप के, यानी कि क्या बोलते हैं, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। तो लिथियम, फिर उसके बाद बरेलियम होता है, फिर बोरोन होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन होता है। अब इसने कहा कि बढ़ते हुए क्रम में सजाइए, तो अगर आप बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे तो सबसे ज्यादा अधात्विक गुण किसका होता है? फ्लोरीन का, उससे कम इसका, या फिर ऐसा समझा देते हैं, रुक जाइए। ओ हो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। लिथियम से ज्यादा अधात्विक गुण किसके पास? बरीलियम के पास। बरीलियम से ज्यादा बोरोन के पास। बोरोन से ज्यादा कार्बन के पास। कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन के पास। इनमें अपना बोरोन नहीं दिया ऑप्शन में, तो आपका जो ऑप्शन जाता है ये जाएगा लिथियम से ज्यादा बरीलियम, बरीलियम से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन। लो 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 लो, यही आंसर है। कम ऑन गाइज, आंसर टिक करें, है ना, कम ऑन गाइज। तो गाइज गाइज आंसर बताइए, गाइज आंसर बताइए, मिल गया। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, ये वाला आंसर है गाइज, हाँ गाइज। चलिए हमने सीखा यूट्यूबर सबसे गाइज बोलना है, क्या बोलना है? गाइज। गाइज बढ़ने से व्यू बढ़ जाता है ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई। चल सिलिकन क्या है? देखो सिलिकन ना ओ धातु है, ओ धातु, बट अधातु नहीं है, सिलिकन उपधातु है, उपधातु धातु सिलिकन, हटाना यार इसको, ऐसे लिखो ना यार, सिलिकन उपधातु है, मेटोलाइड है। कैसे याद करेंगे? सारे मेटोलाइट को, सारे मेटोलाइट को याद करने की ट्रिक बताते हैं, देखिए, है ना। बायोलॉजी सर जी और सभी टीचर, सभी टीचर, है ना, पावरफुल है। आप सर्वोत्तम में आइएगा तो सभी टीचर आपको पावरफुल ही मिलेंगे, मजेदार तरीके से पढ़ाते हैं, एकदम दिल से पढ़ाते हैं, बड़ी कड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं ताकि आपके लिए कुछ बढ़िया कर सके और आपका रिजल्ट बढ़िया हो सके, है ना। हम लोगों ने कई सालों में रिजल्ट बड़ी जबरदस्त दिया है ना, बच्चों के ऊपर लगातार मेहनत की जा रही है और जो बच्चे आते हैं एकदम क्रीम बन के जाते हैं, मजा आ जाता है भाई साहब। क्रीम निकालना पड़ता है, टीचर को भी उतनी संघर्ष करने पड़ते हैं। तो आइए संघर्षों के दौर में हम लोग हैं और यहाँ संघर्ष, आपको पता है डार्विन जी ने क्या कहा था? एक क्वेश्चन डार्विन जी ने कहा था, जो जीव इस पृथ्वी पर संघर्ष करने में सक्षम होगा वही कायम होगा, और जो संघर्ष करने में सक्षम नहीं होगा वो कायम नहीं होगा। ये बहुत ही स्पेशल थ्योरी है डार्विन जी की। आगे देखें,
तो ये देखो कैसे ट्रिक याद रखेंगे, है ना, बायोलॉजी, बायोलॉजी सर जी और सभी टीचर सभी, अरे अरे रे 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 सभी टीचर, अरे रे रे टीचर पोलाइट है, नहीं पोलाइट ही क्या पावरफुल है, पोलाइट भी है, कब जब तुम पढ़ाई करोगे तब, नहीं करोगे तो भी पोलाइट ही रहेंगे, कूट भी दिया जा सकते हो भाई, पढ़ लो, इतनी मेहनत क्यों कर रही की जा रही है आपको पढ़ाने के लिए। बी से हो गया बोरोन, बी से क्या हो गया बोरोन, एस से सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ए एस से आर्सेनिक होगा ठीक है, एस बी एंटीमनी, टेलीनियम और पोलिनियम, ये सभी क्या है, है ना, उपधातु हैं, और इसके अलावा आपको नहीं याद रखना क्योंकि सात हैं, ये याद रख लिए, धातु याद करवाने का ट्रिक अगले एपिसोड में बता देंगे, बाकी खत्म, काम खत्म। चलिए आगे, अब आगे सिलिकन क्या है, मेटोलाइट है। चलिए निम्न में से कौन सा विद्युत का या विद्युत धनात्मक तत्व है, आंसर कोई धातु ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव वही होते हैं, धातु क्या होता है जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, विद्युत धनात्मक होते हैं, तो इनमें से कौन सा विद्युत धनात्मक, पहले धातु देखो, कार्बन अधातु है नहीं होगा, फॉस्फोरस अधातु है नहीं होगा, क्लोरीन अधातु है नहीं होगा, सोडियम, यही इलेक्ट्रॉन देना चाहता है क्योंकि सोडियम की जो कन्फिगरेशन होता है 2-8-1 होता है, हम 1s2s के फॉर्म में भी लिख सकते हैं लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि हमने आपको कभी 1s2s समझाया नहीं, ऑफलाइन के बच्चों को समझा दिया है ठीक है, चाहो तो मैं लिख सकता हूँ इसका कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 है ना 3s1। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे, अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन के नंबर को दिखाया गया है ठीक है, ये बेटा क्या है ना आवर्त की संख्या है और ये सबसेल है, सबसेल उपकक्षा है। चलिए आगे, इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसके बाद हम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा स्टेबल, इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है त्याग देता है, और इलेक्ट्रॉन त्याग कर इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाया करता है, तो कहा क्या क्या कहा है, विद्युत धनात्मक, तो सोडियम इज विद्युत धनात्मक, सोडियम इज विद्युत धनात्मक इलेक्ट्रो पॉजिटिव। चलो आगे, लेट्स मूव अहेड, टहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, उत्तराखंड में, बिहार में भी होना चाहिए था, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में क्यों किया गया है, ताकि बिजली का उत्पादन किया जा सके और जलों की आपूर्ति को पूरा किया जा सके, तो उत्तराखंड में टहरी बांध बनाया गया, याद रखिएगा जीके टाइप क्वेश्चन है, जीके टाइप क्वेश्चन भूल जाते हैं लोग, उत्तराखंड याद रखिएगा, उत्तराखंड है ना, किसी की मौसी नहीं रहती है ना उत्तराखंड में, है ना, टहरी बांध देखने जाओगे वहां। चलो कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबाया जाता है जो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम, ये सबको अगर खुला छोड़ देना आग लगा देगा, लिटरली आग लगा देगा भाई साहब, बवाल मचा देगा, तुम हाथ पर को हाथ जला देगा, एटमॉस्फेयर में रख दो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, जलने लगेगा भाई साहब, है ना, पानी में कभी सोडियम को डालते हो देखा होगा बवाल मचा देता है एकदम, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, पता है कि नहीं, रिएक्शन है आपके क्लास में। तो किरोसिन को डुबाया जाता है सोडियम को, अब थोरियम ऑप्शन में दे रखा है बी नंबर में, तो बच्चों टिक कर दीजिए, कर दोगे ना, हाँ कर दिए ठीक है, बहुत जबरदस्त, थोड़ा और आने वाला है भैया, 2-4-10-5 क्वेश्चन और है, बाकी हम पार्ट टू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक ही वीडियो नहीं बनाया जा रहा है, अलग अलग वीडियो में देखते हैं और सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जा रही है, जबरदस्त बात है। अब मार्जक से बनाया जाता है, अरे सर्फ भी बनाया जाता है, इजी सर्फ भी बनाया जाता है, शैम्पू सब ऑल ऑफ दीज, हाँ चारों आंसर में टिक कर देना, बता रहे हैं एक ही होता है, चार में से कोई एक टिक करना होता है, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज, मास्टर ने चारों किया था, अरे सब बनाया जाता है, ऑल ऑफ दीज तो दिया है ना, डी ऑप्शन होगा। सौर सेल किसका उपयोग करते हैं, सौर सेल में हम उपधातु का उपयोग करते हैं, सिलिकन अभी बताया था उपधातु की ट्रिक, चलिए सौर सेल में उपधातु का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने के रूप में ईंधन में नहीं होता है, नहीं पूछा है तो हम खाना किससे नहीं बनाते हैं, देखिए एलपीजी से बनाते हैं, कोयला से भी बनाते हैं, है ना, बायोगैस, ठीक है, बायोगैस का यूज अभी तक हम लोग किए नहीं, सीएनजी का भी यूज होता है, चलिए सीएनजी का यूज नहीं होता ना, बायोगैस का होता है, सीएनजी का यूज नहीं करते, कर सकते हैं लेकिन सीएनजी का यूज नहीं करते हैं, चलिए तो सीएनजी हो जाएगा, सीएनजी। चलिए आगे, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, सवाल को देखकर ये फील आ रहा है, क्या फील आ रहा है कि कॉपर जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया है, है ना, दिल ने ये कहा है दिल से, है ना, कॉपर कहता ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से क्या कहेगा, दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, है ना, मेरी जा मेरा इंतजार कर लो, तुम भी धड़कनों को समझो और तुम भी हमसे प्यार कर लो, कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन है, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा है ना,
ऑक्सीजन जुड़ा है और ऑक्सीजन जुड़ने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। मजा आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं? आए बोल जल्दी बोल, हैं बोल 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 जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, हाँ जल्दी बोल, है ना। मैं नहीं तो कौन बे हाइकोन इधर, मैं नहीं तो कौन बे हाइकोन इधर, है ना। देखो ये निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, चेक करके बताओ कि अगर बाईं तरफ और दाईं तरफ परमाणु की संख्या अगर बराबर हो गई, तो बाईं तरफ और दाईं तरफ अगर परमाणु की संख्या बराबर हो गए तो राजा जी वो संतुलित होगा, अगर नहीं हुए तो असंतुलित होगा, असंतुलित। चलिए यहाँ देखिए हाइड्रोजन दो है तो इधर भी हाइड्रोजन दो है, इधर क्लोरीन है तो इधर क्लोरीन भी दो है, नहीं होगा आंसर, हटाओ इसको। ये देखो ये भी बैलेंस है, इधर हाइड्रोजन चार इधर भी ऑक्सीजन, ये नहीं होगा आंसर। चलिए इधर देखिए पोटेशियम इधर दो है, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन कर दूंगा, दो पोटेशियम दो है इधर भी दो है, क्लोरीन दो है इधर भी दो है, ऑक्सीजन तीन होना चाहिए इधर भी छः है, भैया एक ही ऑप्शन बचता है, एक ही ऑप्शन बचता है बी नंबर, है ना, यही नहीं है ये नंबर। मिला लेते हैं, यहाँ लेड एक है यहाँ भी लेड एक है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, तीन दोना छः, दो दो चार एक पाँच, आगे मिलाने की जरूरत है क्या? नाइट्रोजन दो है एक ही है, तो यही क्या होगा आंसर होगा, इसमें दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर नहीं है, नहीं है तो क्या होगा असंतुलित, असंतुलित बी ऑप्शन होगा भैया बी। अरे कहाँ जा रहे हो तुम, हमसे पूछे हो जाने से पहले आई एम द ओनर ऑफ योर बोट, आई एम द ओनर ऑफ द बोट, तो भैया का हैं हमसे पूछ के जाओगे ना, मुक्का मारेंगे तुमको अगर ऐसे गए तो। उदासीन बिलियन का पीएच कितना होता है, सात, ये तो सोरेंस ने बताया था, फोन करे सोरेंस को अभी बता देगा। हाँ सोरेंस जी बताइए उदासीन बिलियन का पीएच कितना होता है, सात, स्केलवा नहीं बनाया था वो, स्केलवे पे तो बताया था वो 14, 0 से लेकर 14 तक। चलिए सात होगा तो उदासीन होगा, सात से कम होगा तो अम्लीय होगा, सात से ज्यादा होगा तो क्षारीय। कौन सा दुर्बल है, दुर्बल तो तुम भी हो लेकिन वीडियो देख देख के सबल हो जाओगे, क्यों? जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, मच्छर की तरह एकदम, मच्छर सवाल है, क्या सवाल है? मच्छर। HNO3 सबल है, HCl सबल है, H2SO4 सबल है, जो कार्बनिक कार्बनिक अम्ल होते हैं ना वो निर्बल होते हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं निर्बल होते हैं, है ना। तो सवाल में आप याद रखिए तीन ऐसे बोर्ड में यही सब आते हैं, HNO3 हो गया, HCl हो गया, ठीक है, H2SO4 हो गया, ये सब सवाल है ना, ये सवाल है खनिज अम्ल, ये सब सवाल है, उसके अलावा HClO4 हो गया, ये सब सवाल है भाई। चलिए आगे, चार याद रख लो काफ़ी है। क्रायोलाइट किसके है, एस्क है, क्रायोलाइट जो है वो आपके एल्यूमिनियम के एस्क है, किसके एस्क है, एल्यूमिनियम के। क्रायोलाइट किसके एस्क है, एल्यूमिनियम के एस्क है, क्रायोलाइट किसके एस्क है, एल्यूमिनियम के, है ना। Na3 है ना, AlF6 है ना, Na3AlF6 ये फार्मूला होता है क्रायोलाइट का। चलिए तो एल्यूमिनियम के एस्क है। चलो भाई कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, सवाल 48। अरे भैया बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं, बहुत जल्दी टारगेट और गंदा। पोटेशियम की परमाणु संख्या, घिना दिया, मच्छर 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 सवाल है 19, पोटेशियम 19 मच्छर सवाल है। आ हा हा हा, ओ राजा जी सवाल क्या पूछा है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल का है ना फार्मूला होता है HCOOH, HCOOH नामकरण भी यहीं सिखा देते हैं, है ना। स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर होगा, OH होगा, क्या होगा, OH, OH नहीं बोलेंगे, OH, और यहाँ हाइड्रोजन है। आप मुझे बताइए नामकरण करने का तीन फॉर्मेट हमको बताया था, या नामकरण करने का तरीका होता है, पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, और फिर क्या लिखते हैं, सफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्व लग्न, पहले लगने वाला, सफिक्स का मतलब होता है बाद में, प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब लगाना, हिंदी में उसको पूर्व लग्न कहते हैं, और अनु मतलब होता है बाद में, लग्न मतलब होता है लगाना, सफिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुलग्न। वर्ड रूट क्या होता है, कार्बन और कार्बन की संख्या को क्या कहते हैं, कार्बन की जो श्रृंखला होती है, जो चेन होती है, उसको वर्ड रूट कहते हैं। आप मुझे बताइए कोई प्रीफिक्स है नहीं सर, वर्ड रूट कितने कार्बन की चेन, एक, तो क्या कहेंगे, मिथ, क्या कहेंगे, मिथ। उसके बाद सफिक्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है 1 डिग्री, एक होता है 2 डिग्री। इसमें कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड के नेचर को देखते हैं, अगर एक बॉन्ड हुआ तो एन कहेंगे, दो होगा तो इन कहेंगे, तीन कहेंगे तो आयन होगा, और 2 डिग्री में फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं, क्रियात्मक समूह को, जिस पर रासायनिक गुण निर्भर करता है। यहाँ क्रियात्मक समूह क्या, एसिड है, और एसिड के लिए जो 2 डिग्री सफिक्स लिखते हैं ओइक एसिड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। चलो आगे, है ना, तो मिथ है। और 1 डिग्री इसका क्या होगा, एक कार्बन है, सिंगल कार्बन, कार्बन और कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है यहाँ, ठीक है, तो एन होगा। और मुझे बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ओइक एसिड। तो मुझे बताइए पहले नंबर कार्बन पे क्या लगा है, एसिड लगा है, तो क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड लगा तो क्या लिखेंगे, ओइक। और AEIOUY से पहले ई आएगा तो क्या कर देंगे, कोई भाव लगा तो कैंसिल कर देंगे, तो इसका नाम होगा मिथेनोइक। एक को लिखें तो ठीक, ना लिखें तो ठीक, तो इसका नाम होगा मिथेनोइक, मिथेनोइक। क्या नाम होगा, मिथेनोइक। तो ये था हमारा 50वां नंबर,
और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको पूरे क्लास में मज़ा आया होगा, और मज़ा आया है तो शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए, और ज़बरदस्त तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़िए। बाकी सब्जेक्ट की वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं तो उनको भी प्यार दीजिए, देखिए अच्छे तरीके से, देखिए बाकी टीचर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। और तब तक के लिए आप बने रहिए, फिर मिलेंगे पार्ट टू में। यह 2021 का क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन था, बाकी के प्लेलिस्ट में सारे वीडियो दिखाए गए हैं, आप जरूर जाके देखिए। और आपके प्यार के लिए मैं क्या कहूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए नमस्कार।